नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। शहर में अपराधी हुए बेलगाम। अलीगंज चौक पर युवक को मारी गोली, मौके पर हुई मौत। सगे भाई पर लगा हत्या का आरोप। पटना से भागलपुर पहुंची मद निषेध विभाग की टीम ने नाथनगर इलाके में की छापेमारी। देशी शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस ने लूटपाट की घटना को अंजाम देने पहुंचे दो अपराधियों को किया गिरफ्तार। हथियार और गोली बरामद। सब्जी मंडी बंद कराने पहुंची पुलिस पर दुकानदारों ने किया हमला, तीन पुलिसकर्मी हुए घायल। और दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। मुंबई पुलिस को केस के दस्तावेज सौंपने के दिए आदेश। अब समाचार विस्तार से। भागलपुर में पुलिस का डर लगातार खत्म होता जा रहा है और अपराधियों के मनसूबे लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। रिश्ते की मजबूत डोर को तोड़ते हुए भाई ही भाई की हत्या कर दे रहा है। मंगलवार शाम बबरगंज थाना अंतर्गत अलीगंज चौक सब्जी मंडी के सामने प्रवीण शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 25 वर्ष के प्रवीण शाह की हत्या भीड़ भाड़ वाले इलाके में की गई। घटना के पीछे उसके बड़े भाई रमेश शाह का हाथ बताया जा रहा है। इससे पहले भी दोनों भाइयों के बीच खूनी झड़प और गोलीबारी की घटना घट चुकी है। बताया गया कि मृतक प्रवीण की मां सब्जी बेचने का काम करती है और प्रवीण अपनी मां का हाथ बटाता था। बता दें कि इन दिनों भागलपुर में आपराधिक मामलों में काफी इजाफा हुआ है। जिले में एक हफ्ते के भीतर भाई द्वारा सगे भाई की हत्या करने का यह दूसरा मामला है। जिस तरह रिश्तों को कलंकित करते हुए सगा भाई ही अपने भाई के खून का प्यासा है और अपराध को अंजाम दे रहा है, यह विधि व्यवस्था के साथ पुलिस के लिए भी चुनौती है। आज शाम में थानाध्यक्ष बबरगंज को सूचना मिली कि एक व्यक्ति को अलीगंज चौक पर गोली मारा गया। जब यहाँ हम लोग आए तो पता चला कि प्रवीण शाह नाम का एक आदमी जो अलीगंज गगटी का रहने वाला है, थाना हबीबपुर, उसको गोली मारी गई। और अभी तक जो प्राप्त जानकारी, अभी बयान नहीं हुआ है कि उसके भाई से ही उसको दुश्मनी थी, सगे भाई से, जिसका रमेश नाम था। तो अभी बयान हो जाने दीजिए तो निर्णायक तौर पर हम लोग बोलेंगे। अभी इसकी जो माँ बता रही है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तुरंत की घटना है, आगे विस्तार से बता देंगे। मद निषेध विभाग पटना के द्वारा भागलपुर पहुंची टीम ने मंगलवार को नाथनगर के ललमटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पासी टोला मोहल्ले में छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान कई घरों में अर्धनिर्मित देशी शराब बरामद कर नष्ट कर दिया गया। बता दें कि छापेमारी के दौरान नाश्ते की एक दुकान से 1 लीटर देशी शराब बरामद होने के बाद दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए दुकानदार की पहचान पासी टोला निवासी सुनील कुमार के रूप में हुई है। लूटपाट की घटना को अंजाम देने पहुंचे दो शातिर बदमाशों को नवगछिया पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों बदमाश की पहचान तेतरी निवासी बबलू शर्मा और कहलगांव निवासी प्रमोद कुमार के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और दो मोबाइल फोन बरामद किया है। बता दें कि बुधवार की सुबह विक्रमशिला पहुंच पथ कलबलिया धार के समीप 5 अपराधी लूटपाट की घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर बदमाशों को जांच के लिए रोकना चाहा, पर मौका पाते ही 3 बदमाश मौके से फरार हो गया। नवगछिया थानाध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा ने बताया कि अपराधी बबलू शर्मा पूर्व में भी हत्या के मामले में जेल जा चुका है, जबकि दूसरा अपराधी प्रमोद कुमार का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। कलबलिया धार के पास रात्रि गश्ती के क्रम में ही 5 लोगों को संदेहास्पद स्थिति में देखा गया था। बाकी 3 आदमी जंगल का फायदा उठाकर केला खेत में भाग गए। 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया। दोनों व्यक्ति के पास तलाशी लेने क्रम में बबलू शर्मा के पास से एक देसी कट्टा लोडेड हालत में प्राप्त हुआ और एक 3.3 किलो का कारतूस मिला और उनके पास से 2 मोबाइल इनका बरामद हुआ। पुलिस जिला नवगछिया अंतर्गत भवानीपुर क्षेत्र के मथुरापुर बाजार में पुलिसकर्मियों द्वारा सब्जी मंडी बंद कराने के क्रम में कुछ दुकानदारों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। सब्जी दुकानदारों ने रेलवे ट्रैक पर बिछे पत्थर से पुलिस बल पर पथराव करना शुरू किया। मिली जानकारी के अनुसार शुरुआत में कुछ लोगों ने पथराव किया, पर देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में बच्चे, युवा, बूढ़े एवं महिलाओं ने पुलिस पर जमकर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। भीड़ से अज्ञात द्वारा 2 राउंड गोली चलाने की बात भी सामने आ रही है। पथराव में 3 पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व व्यवसायियों के आग्रह पर सशर्त बाजार खोलने की छूट दी गई थी, पर कुछ असामाजिक तत्व जबरदस्ती देर शाम तक दुकान खोलने पर अड़े हुए थे, जिसका विरोध करना पुलिस को महंगा पड़ गया। हालांकि इस संबंध में प्रशासन द्वारा किसी पर कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में रिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सुशांत सिंह केस की जांच सीबीआई ही करेगी। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना पुलिस के एफआईआर को सही ठहराया। इसके अलावा मुंबई पुलिस को निर्देश दिया गया कि वो केस से जुड़े सारे दस्तावेज सीबीआई को सौंप दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह जमुई लोकसभा सांसद चिराग पासवान ने खुशी व्यक्त की है। चिराग पासवान ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई से हो, यह सबकी मांग थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद दिवंगत अभिनेता के करोड़ों प्रशंसकों एवं उनके परिवार की जीत हुई है। जिन लोगों ने इस केस को उलझाया था, अब वो लोग नहीं बच पाएंगे। बता दें कि लोजपा के कार्यकर्ताओं एवं चिराग पासवान द्वारा लगातार सुशांत मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की जा रही थी। सबसे पहले मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद करूंगा कि आज जिस तरीके से उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच के उन्होंने आदेश दिए, मुझे लगता है करोड़ों लोगों की भावनाओं को आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उनकी भावनाओं का सम्मान किया। उम्मीद है कि अब जब यह मामला सीबीआई के हाथ गया है और सीबीआई इसकी जांच करेगी तो एक लंबे समय से जो हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले में सच्चाई क्या है, वो सच्चाई सामने आएगी। और ना सिर्फ सच्चाई सामने आएगी बल्कि वो नाम भी सामने आएंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं इस केस को भटकाने का प्रयास किया। वक्त तो चला, एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मतदाता की कोई भी बात 1950 1950, चाहे शिकायत या सुझाव 1950 1950, चुनाव के पहले चुनाव के बाद 1950 1950। मतदाता सूची में नाम जोड़े के प्रक्रिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बूथ के जानकारी, वोटर कार्ड कैसे बनी, ऐसा सारा सवाल के जवाब मिली 1950 पर। ये चुनाव बस एगो नंबर याद राखी, भारत निर्वाचन आयोग के टोल फ्री मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950। अब कोनो मतदाता बिहार के कोनो कोना से कार्यालय अवधि में 1950 पर कॉल कर सकता। 1950 से अब मतदाता जानी अपन हक के जानकारी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार द्वारा जनहित में जारी। मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे, डॉक्टर शशिकर एमडी, रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना है और इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। वहीं सरकारी दिशा निर्देश का पालन करते हुए मुहर्रम कैसे मनाया जाए, इस पर चर्चा के लिए बुधवार को मुस्लिम एजुकेशन कमेटी हॉल में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के मौलाना गुलाम सिमनानी ने की। इस दौरान कमेटी के सदस्यों ने कहा कि सदर एसडीओ द्वारा जारी नोटिस के अनुसार केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने सभी तरह के सामूहिक आयोजन पर रोक लगा दी है। वहीं कमेटी के संयोजक डॉक्टर फारूक अली ने कहा कि इस साल कोरोना संक्रमण के कारण सामूहिक रूप से इमामबाड़ा पर मजलिस, मातम एवं जुलूस का आयोजन नहीं किया जाएगा। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए मुहर्रम कैसे मनाया जाए, इस पर अंतिम निर्णय गुरुवार को लिया जाएगा। बैठक में सैयद जिजा हुसैन वर्दी खान, मोहम्मद तकी अहमद जावेद, मोहम्मद सलाहुद्दीन भोला खान, महबूब आलम, निजाहत अंसारी समेत कई लोग मौजूद थे। 21 तारीख को वो बैठक होगी ताकि हम लोग इस पर और भी व्यापक तौर पर चर्चा कर सकें, इसलिए कि ये जो मुहर्रम है हिंदुस्तान में ये बिल्कुल दूसरे तरह का, दूसरे देश की तुलना, क्योंकि इमामबाड़े होते हैं, इमामबाड़े पर शहादत का फूल एक प्रतीक होता है वो रखा जाता है, फिर इधर से उधर होता है, इधर से उधर जाया जाता है, लेकिन जुलूस निकालने पर पाबंदी है, लाइसेंस भी इशू नहीं होगा, इसलिए उसका रद्द अमल क्या होगा, तो कैसे होगा, जो इस पर और भी गहन चर्चा करें। भागलपुर के युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की शारीरिक तैयारी कराने वाले गुरुकुल फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर का शुभारंभ हो गया। ट्रेनिंग सेंटर का विधिवत उद्घाटन युवा भाजपा नेता गौतम कुमार यादव एवं गुरु रहमान के द्वारा संयुक्त रूप से नारियल फोड़ कर किया गया। पुलिस या सेना में जाने का सपना रखने वाले युवाओं को फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर से काफी लाभ मिलेगा। सेंटर के शिक्षक रहमान ने बताया कि भागलपुर के सभी युवाओं को शहीद मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे बिहार दरोगा एवं बिहार पुलिस जैसी बहाली जिसमें शारीरिक दक्षता ज्यादा मायने रखती है, इसमें भागलपुर के युवा कुछ बेहतर परिणाम सुनिश्चित कर पाएंगे। उद्घाटन के मौके पर प्रियरंजन, अभिनंदन, गुरुकुल के शारीरिक शिक्षक मृत्युंजय पाल एवं प्रभात रंजन सहित अन्य युवा उपस्थित थे। आज भागलपुर अंग की धरती पे चंपानगर चर्च ग्राउंड में गुरुकुल के द्वारा पुलिस ट्रेनिंग, बिहार पुलिस और दरोगा की बहाली प्रशिक्षण सिविल प्रशिक्षण स्कूल के लिए ये उद्घाटन किया गया। मेरे और जो अपने सर हैं रहमान सर, उनके द्वारा, क्योंकि रहमान सर यहाँ मौजूद नहीं थे, तो उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रख के नारियल फूड के हम लोगों ने इस पूरे प्रशिक्षण का उद्घाटन किया। आज दौड़ हुई, फर्स्ट से थर्ड जो भी बॉयज में आए उनको प्राइज मिला। आज ये कार्यक्रम जो कराया गया ये गुरुकुल फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा किया गया, और ये जो है कि दरोगा बहाली और सिपाही बहाली में लड़कों एवं लड़कियों को फिजिकल में मदद मिले, इसके उद्देश्य से किया जा रहा है। और आज इसका उद्घाटन गुरु रहमान सर एवं बंटी यादव भागलपुर के भाजपा नेता ने, उन्होंने उद्घाटन किया। गुरु रहमान सर नहीं थे तो उन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से जो है कि यहाँ पे नारियल थोड़े मिल गए। नेकी कर दरिया में डाल, यह मात्र एक कहावत है, पर भागलपुर में हुई एक घटना ने इसको सच साबित कर दिया है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व समाज सेवी छोटू पांडे को कहलगांव में एक लावारिस नवजात मिला था जिसे इलाज की जरूरत थी, जिसके बाद छोटू पांडे ने नवजात का इलाज भागलपुर के डॉक्टर अजय सिंह की क्लिनिक में करवाया। बाद में स्थानीय लोगों द्वारा सामूहिक निर्णय कर शिशु को कानूनी तरीके से कहलगांव के ही एक निसंतान दंपत्ति के हवाले कर दिया गया। इसी बात से नाराज चाइल्ड लाइन के सदस्यों ने नवजात को उन्हें सौंपने की बात कही, और चाइल्ड लाइन की बात नहीं मानने पर एडवोकेट अमल कुमार द्वारा समाजसेवी छोटू पांडे पर डॉक्टर अजय सिंह के क्लिनिक से बच्चा चोरी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस कंप्लेन कर दी गई। इधर मीडिया से बात करते हुए छोटू पांडे ने उन पर लगाए हुए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इसमें 8 तारीख को हम नंदलालपुर से बच्चा उठाए थे, जिस बच्चे का फोटो देख सकते हैं, गाल कटा हुआ, ये कटा हुआ फोटो हम गाल कटा हुआ बच्चे को उठा करके, नाभि भी उसका नहीं निकला था, उसका हम कहलगांव में नाभि साफ करवा करके भागलपुर आए इलाज कराने के लिए। और इलाज कराने के क्रम में डॉक्टर साहब अजय कुमार सिंह के यहाँ सभी लोग जो है, मतलब ये एडवोकेट अमल कुमार हैं वो आदम के, और बिना कोई प्रक्रिया नियम की बात किए बच्चे के लेने की, छीनने की जिद करने लगे, और अंततः हमें बच्चा को प्राथमिकता देना था इलाज के लिए, और हम जो है बच्चे का इलाज कराने के लिए हम फिर इलाज दूसरे जगह, हम जहाँ सूटेबल लगा हमको, अच्छा इलाज की जरूरत थी, हम इलाज कराने लगे, और ये एडवोकेट अमल कुमार जो है जोर जबरदस्ती करने का पूरी तरह से प्रयास किया हमारे साथ। जगदीशपुर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जगदीशपुर प्रखंड के अंगारी गांव स्थित स्कूल में बुधवार को कोरोना जांच शिविर लगाया गया। शिविर में जांच के लिए पत्रकार समेत लगभग 100 लोगों की सैंपल ली गई। स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ वर्कर अजय पासवान ने बताया कि शिविर में जितने भी लोगों का सैंपल लिया गया है उन सभी का जांच रिपोर्ट मैसेज के जरिए भेजा जाएगा।
इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी लोगों से मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करने की अपील की। सरकार के द्वारा जो मिशन तैयार किया गया है, इस आदेशानुसार दुग्ध विक्रेता कल्याण स्वावलंबी सहकारी समिति के जिलाध्यक्ष अंबिका यादव का आकस्मिक निधन हो गया, जिसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव द्वारा दुग्ध विक्रेता कल्याण स्वावलंबी सहकारी समिति के सदस्यों के साथ जिला दुग्ध मार्केट में 5 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान राजद जिलाध्यक्ष ने कहा कि अंबिका बाबू के निधन पर दुग्ध विक्रेता संघ एवं राष्ट्रीय जनता दल परिवार को अपूर्णीय क्षति हुई है, साथ ही राष्ट्रीय जनता दल हर संभव अंबिका बाबू के परिवारों के साथ हैं। शोक सभा में मौजूद लोगों ने ईश्वर से अंबिका बाबू के आत्मा को शांति प्रदान करने की कामना की। मौके पर दिलीप यादव, राजा राम यादव, संजय यादव, विकास यादव सहित कई लोग मौजूद थे। देहांत होने पर पूरा भागलपुर जिला के पशुपालक बंधु दूध विक्रेता संघ के जो भी मेंबर हैं, सारे लोग गमगीन हैं, दुखी हैं। सबों ने उनके मृत्यु को अपूर्णीय क्षति बता रहे हैं। फुल्ली डूमर अंचल कार्यालय में नए अंचलाधिकारी अखिलेश प्रसाद सिन्हा ने पदभार ग्रहण कर लिया, जबकि पूर्व अंचलाधिकारी सतीश कुमार को विदाई दी गई। मौके पर अंचल कर्मियों ने पूर्व सीओ को बुके देकर उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए उनका धन्यवाद किया। इस दौरान पूर्व सीओ ने फुल्ली डूमर कार्यालय को यादगार बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ के स्थानीय लोग काफी सरल और समझदार हैं। वहीं नए अंचलाधिकारी अखिलेश प्रसाद सिन्हा ने कहा कि अंचलवासियों की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता होगी। मौके पर पूर्व नाजिर कल्याण सिंह, संजय सिंह, आशीष कुमार, मुनीलाल दास, चुन्नीलाल सहित अन्य अंचल कर्मी मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में अपराधी हुए बेलगाम, अलीगंज चौक पर युवक को मारी गोली, मौके पर हुई मौत, सगे भाई पर लगा हत्या का आरोप। पटना से भागलपुर पहुंची मद निषेध विभाग की टीम ने नाथनगर इलाके में की छापेमारी, देशी शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस ने लूटपाट की घटना को अंजाम देने पहुंचे दो अपराधियों को किया गिरफ्तार, हथियार और गोली बरामद। सब्जी मंडी बंद कराने पहुंची पुलिस पर दुकानदारों ने किया हमला, 3 पुलिसकर्मी हुए घायल। और दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, मुंबई पुलिस को केस के दस्तावेज सौंपने के दिए आदेश। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।